खसूसी रिपोर्ट देखिए स्पेशल रिपोर्टर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की। कुछ किलोमीटर की दूरी पर थाना पंजग्राम में मौजूद हूँ, जहाँ के एएसआई जनाब सेक्टर अफसर मीर मुश्ताक साहब मौजूद है। उनसे हम बात करते हैं क्राइम के बारे में और यहाँ की जो सूरत हाल है, ये दोबारा यहाँ पे तैनात हुए उस बारे में आइए हम इन्हीं से बात करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप एएनएन टीवी न्यूज़ चैनल के मुजफ्फराबाद से रिपोर्टर मुंतखब हुए हैं, जिस पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आपने अपना कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं, इस पे भी शुक्रगुजार हूँ। आप एक जानी पहचानी शख्सियत हैं जो तकरीबन पूरा खिता आपको जानता है, हम भी आपको मीडिया पे देखते सुनते भी रहते हैं, तो रब्ता भी कभी कभी होता है। इसमें हमें फ़ख्र भी है कि आप एक नडा बेबाक और मुखलस साफ़ी हैं जो हर सच को मंजर आम पर लाते हैं, जबकि यह आम बंदे के पास की बात नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी भी हौसला अफजाई होती है, हमेशा आप हौसला अफजाई करते हैं अच्छे काम की। तो इसके अलावा हमेशा आपने सच का साथ दिया है। आपकी शोहरत सिर्फ मैं समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद में नहीं है बल्कि पाकिस्तान में भी है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे आप ही की तरह के साफ़ी पैदा हों जो आपको सच को मंजर आम कर लाएँ, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। शुक्रिया जनाब। ये थे एएसआई थाना पुलिस पंजग्राम जनाब मीर मुश्ताक साहब, और इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। आइए नाज़रीन आपको अभी थाने का मैं विजिट करवाता हूँ, जो कि बड़ा खस्ता हालत में है कि इसकी इमारत वगैरह कुछ ठीक तरीके से तामीर नहीं हो सकी और यहाँ पे अमला भी थोड़ा कम है और ये यहाँ पे थोड़े साहिल भी आए हुए हैं। तो साहिल से पहले आप साहिल जितने भी यहाँ पे थाने में आए उनसे बात करते हैं कि थाना उनके साथ ज्यादती करता है या उनकी सही दाद रसी करता है, तो आइए उनसे बात करते हैं।